हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, IBACIO के 20 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। आप देख लीजिएगा सही है कि गलत। वैसे तो जिस कैंडिडेट ने दिया है उसने बोला है कि सर मैं अभी देख के आ रहा हूँ, वही सब क्वेश्चन आया है, तो आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं सेम रहते तो उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, अगर बात करें खिलजी वंश के संस्थापक और प्रथम सुल्तान किसे माना जाता है, तो खिलजी वंश के संस्थापक व प्रथम सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है 9 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, दूध का पीएच मान क्या होता है, तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है, 6.4 होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत जो है देवयानी खोबरागड़े को नियुक्त किया गया है। देवयानी याद रखिए, देवयानी को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ है, तो ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध जो है ना परुसनी नदी पर हुआ है, किस पे, परुसनी नदी पे। सातवां नंबर क्वेश्चन है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो पणजी जो है किस भारतीय राज्य की राजधानी, गोवा की राजधानी जो है आपकी पणजी है, पणजी गोवा की राजधानी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है, तो ओजोन की परत जो होती है ना समताप मंडल में होती है। नौवां नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। दसवां नंबर क्वेश्चन है, किसने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया, तो विपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम समाचार पत्र क्या किया, प्रारंभ किया। ग्यारह नंबर क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है, नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है क्याची में, तो संसद में होती है नए राज्य की गठन करने की क्षमता। 12 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के पहले स्पीकर थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो केसर को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लेखक कौन है, तो नीरद सी चौधरी। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, 28 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 15 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में आई है, और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि ऐसा ही क्वेश्चंस आया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहूँ। धन्यवाद।